बलि मदभुत वाम पदन खनी रजनिक जन बाणे बलि मदभुत पदन खनी रजनिक केशव पयसी पयसी समित भवताप क्षत्रिय रुधिर मय जगत भगत पाप न पयसी पयसी समित केशव धृता भृगुपति रूप केशव दशमुख मौलि वरेन्द्र मनिया दिक्पति कमनिया दशमुख मौलि केशव वपुषि विशदि विशदे वसनं जलदाव हलयति भीति मिलित जमुनाव वपुषि विशदे वसनं जलदाव हलयति भीति मिलित जमुनाव केशव धृता जय जगदीश हरे
विष्णु सुभदां सुखदां भव सार श्रीनु सुभदां सुभदां भव सार केशव धीता दश विध रूप केशव धीता दैत्यान्दारयते बलिं चलयते शत्र कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते करुणमदन्नते मिलच्छां मूर्च्छयते दशाति कृते कृष्णाय दुर्गं नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे
हरि गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि भक्ति प्रमोदाको भक्ति प्रमोदाको पुरीं उपाशु भक्ति प्रमोदाखो पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदं लभते जनवै गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंद वर्धनं बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वती प्रभु वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर शिक्षा गुरु पाद पद्म तथा देवानंद गौड़ीय मठे प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति प्रज्ञान की सर्वस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत पर्यटक गोस्वामी महाराज तथा वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद तिदंडेश्यामी परिव्राजकाचार्य वर्ज भक्ति वेदांत बोधायन महाराज असभाय आगत सकल तिदंडी पादगण वैष्णववृंद वैष्णवी वृंदा मातृमंडली सज्जन वृंद सकल के जानाई आमार यथाजोग्य सम्भाषण सकले आमार प्रति प्रसन्न तो अभी कौन भाषा में बोलूं हिंदी अंग्रेजी और बंगला
What language I supposed to speak? कौन बोला हिंदी? बांग्ला। ठीक है, दो भाषा में बताएंगे, अंग्रेजी नहीं ना, इंग्लिश। एनीवे, अभी हम लोग देवानंद गौड़ीय मठ में, जो मंदिर हमारा शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित ये मंदिर का बहुत महत्व है। हम पहली बार जब यहीं पे आए थे, हमारा गुरुजी साथ में थे और साथ में भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज थे। हमारा जितना बड़ा बड़ा आचार्य सब साथ में चैतन्य गौरी मठ का पर चैतन्य गौरी मठ से परिक्रमा के साथ हम आए थे। हम पहले भी नवद्वीप धाम परिक्रमा किया, इसके पहले भी किया जब बचपन में था, उसी टाइम चैतन्य आदि मठ से किया था। ये लोग कहीं पे आता नहीं ना, तो इसलिए हम बोल रहा, जब चैतन्य गौड़ीय मठ से किया हम, उसी टाइम भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी थे, हमारे गुरु जी थे और सब बड़ा बड़ा सन्यासी थे। आज दुख भी हो रहा, जो करुणा का प्रकोप से हमारा परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत पर्यटक गोस्वामी महाराज भी ये जगत छोड़ के चला गया। धीरे धीरे सब वैष्णव लोग, वैष्णव धीरे धीरे जा रहा, कृष्ण भक्त बिरह बिना दुख नहीं पारो, राय रामानंद संवाद में ये माने कृष्ण भक्त विरह ही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन आज क्या करे, मजबूरी है, कलियुग का प्रकोप इतना बढ़ गया, सबको नाम करने पड़ेगा और सबको इस जगह पे आकर के ढोग लगाना चाहिए, सिर झुका के कोलदेव को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? जितना अपराध हम लोग किया, ये जो दीप है कोलदीप, अपराध भंजन का पीठ, जितना अपराध जाने अनजाने में हम लोग किया, सबको धोने के लिए, सबको साफ करने के लिए सबको ही पिहाने पड़ेगा। हमारा गुरु जी के मुख से सुना, हम जो गुरु जी के साथ यहीं पे आए थे, आप भक्ति वाला तीर्थ गोस्वामी महाराज भी ऐसा बोला। ये हमारा जिंदगी में इस बड़ा बड़ा सन्यासी जिनको सहारा में हम पाल पोस हुआ, बड़ा हुआ, वो जो बता दिया वही हमारा मार्ग है। इसलिए हम यहीं पे सबको लेके आ करके प्रणाम करके, जितना अपराध हम लोग अनजान में जो कुछ किया, अपराध को धोने के लिए, अपराध को साफ करने के लिए आने से लाभ होता, लाभ उठाना चाहिए। सबसे बड़ा लाभ क्या? सबसे बड़ा लाभ प्रेम प्राप्ति। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सबको बोला, हरि नाम करो, प्रेम लो और धीरे धीरे भगवत धाम में वापस चलो। जो भी हो,
जो पाठ करने जा रहा है ये भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा। इस कोलदीप का महिमा महात्मा भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा लिखा गया। আমি যখন প্রথম এখানে আসি সেটা তো চৈতন্য মঠ আদি মঠে, মানে এখানে আসেনি, মানে প্রথম যখন পরিক্রমা করি এখানে আসে না তারা। আর তারপরে যখন চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্গে আসি তখন আমার গুরুদেব ছিলেন, ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ছিলেন, আরও বড় বড় সন্ন্যাসী ছিলেন, তাদের মুখ থেকে শুনেছি এটা হচ্ছে কোলদ্বীপ অপরাধ ভঞ্জন পাঠ। যত আমাদের অজান্তে জানতে যত অপরাধ করেছি এখানে যদি আমরা হৃদয়ের অন্তঃকরণ থেকে কোলদেব বরাহদেবকে জানাই তাহলে সমস্ত অপরাধ একদম ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। অপরাধ যখন যতক্ষণ পর্যন্ত যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুখে শুদ্ধ নাম হবে না। শুদ্ধ নামের দ্বারাই প্রেম পাওয়া যায়। এই প্রেম পাওয়ার জন্যেই আমরা এই নাম করছি, ধাম দর্শন করছি। এজন্য আর প্রেম পেলেই আমাদের যে বিধান, যে বিচার, যে সিদ্ধান্ত, প্রেমই আমাদেরকে নিয়ে যাবে আমাদের চরম স্থান গোলক বৃন্দাবন। প্রেম হাম সবকো লেকে যায়গা বৃন্দাবন, গোলক বৃন্দাবন যো হামারা লক্ষ্য হ্যায়। স্বরূপ প্রকাশ কন করেঙ্গে? প্রেম। ইসলিয়ে দিল কো নিছাবর করতে হুয়ে কোলদীপ কো প্রণাম কিজিয়ে। আর অপরাধ সে মুক্ত হোনে কে লিয়ে মিনতি কিজিয়ে, শুদ্ধ নাম মুখ সে নিকালনে কে লিয়ে মিনতি কিজিয়ে, দিল সে মিনতি করনা চাইয়ে। ভগবান কবি দিন किसी को धोखा नहीं दिया, हम सब भगवान को धोखा देता इसीलिए सब लोग धोखा में पड़ देता। जो भी हो सुनिए, हमारा जो भक्तिविनोद ठाकुर धाम महात्म्य में लिखा वही लिखा हम तो पढ़ने जा रहा हूं। बंगला में लिखा है, बंगाली लोग तो सब समझ जाएगा। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा हिंदी भी करवा देगा, अनुवाद करवा देगा। हिंदी बोलते था क्या? नहीं तो आचार्य जी बोल জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ জয় জয় গৌরভূমি সর্বভূমি সার যথা নাম সহ শ্রী চৈতন্য অবতার। দেখো पंचतत्व का आशीर्वाद ले करके ये धाम दर्शन करना चाहिए। जितना पूर्व आचार्य है सबका
आशीर्वाद लेना चाहिए। वैष्णव का आशीर्वाद से ही हम सब लोग धाम दर्शन कर सकता। धाम तो आंखों से दर्शन नहीं हो सकता, असली धाम तो कान से दर्शन होता। तो सुनिए भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोला सुनिए। यहीं पे पांच पवित्र नदी है लेकिन गुप्त रूप से है। क्या का नदी है हम बोल रहा। नित्यानंद प्रभु बोले सुनो सर्वजन, पंचबेनी रूपे गंगा हेताय मिलन, मंदाकिनी अलका सहित भागीरथी, गुप्त भावे हेताय आछेन सरस्वती, पश्चिमे जमुना सह आयसे भगवती, ताहाते मानस गंगा महावेगवती। देखो कितना है, मंदाकिनी अलोका भागीरथी जमुना मानस गंगा सब पवित्र नदी यहीं पे है। ऑल द होली रिवर, फाइव होली रिवर हियर। पंचमेनी अभिन्न प्रयाग, प्रयाग मतलब प्रयागराज स्टेशन हम देखा, यहीं पे कुंभ होता, तो प्रयागराज गुप्त रूप से यहीं पे भी है। महा महाप्राग बोलिया ऋषि गणे, कोटि कोटि यज्ञ हेता कोइलो ब्रह्मासने। पंचमेनी अपर नाम ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र स्थान एहि महिमा अपार, हेता स्नान करिले जन्म नहे आर। यहीं पे तुम स्नान करोगे तो हम कोई किसी कोई लोग स्नान कर लेगा तो नहा लेगा तो उनका फिर से जन्म नहीं होगा। भौतिक जगत में दुख का जगत में फिर से जन्म नहीं होगा। इहार महिमा के बा बोरिनी बारे परे, शुद्ध धारा सम कोनो तीर्थ नहीं होते नारे, जले स्थले अंतरिक्षे त्याजिया जीवन सर्वजीव पाए शिगोल गो वृंदावन। देखो ये स्थान का महिमा भाषा में वर्णन कर नहीं सकता, इतना महिमा इतना महत्व है। तैसा सोचो कि जे हम लोग का भाग अच्छा है इसीलिए हम लोग यहीं पे आ गया। कुलिया কুলিয়া পাহাড় কলদ্বীপ, কুলিয়া পাহাড় বলি খ্যাত এই স্থান, গঙ্গা তীরে উচ্চ ভূমি পর্বত সমান। কুলিয়া পাহাড় গঙ্গা কা কিনার মে এক উঁচা জমিন হ্যায় পর্বত মাফিক। কলদ্বীপ নাম শাস্ত্রে আছে বর্ণন, সত্যযুগ কথা এক শুনো সর্বজন। সত্যযুগ কা কাহানি सुनिए क्या हो रहा। वहाँ कुलदेव बराह भगवान भक्त वासुदेव विप्र उपाख्यान, वासुदेव विप्र एक ब्राह्मीण थे, विप्र मतलब ब्राह्मीण, वासुदेव नामे एक ब्राह्मण कुमार, बराह देवेर सेवा करे बार बार। एक ब्राह्मण बहुत बहुत बार हमेशा के लिए यहीं पे क्या करते, बराह देव का पूजा करते थे।
শিবরাহ মূর্তি পূজি করে উপাসনা সর্বদা বরাহ দেবে করয়ে প্রার্থনা ক্যা প্রার্থনা ক্যা মিনতি করতে প্রভু মোরে কৃপা করি দেহ দর্শন সফল হোক মোর নয়ন জীবন আঁখো কো আঁখো কো আশ্রী ফল দেনে কে লিয়ে ভগবান কা দর্শন করনা চাহিয়ে এই আঁখো মে ভগবান দর্শন ভগবান দর্শন নেই হোগা তো জানো এ সোচ লো এ জিন্দেগি বরবাদ হো গিয়া ইসলিয়ে দর্শন করনা চাহিয়ে পহলে কান সে দর্শন করো উসকে বাদ আঁখো সে দর্শন করো এই বলি কাঁদে বিপ্র গলা গড়ি যায় প্রভু নাহি দেখা দিলে জীবন বৃথায় ইস প্রকার বতা বতাকে বতাকে ভূমি পর লটপট খাতে খাতে আর আঁখো মে আঁসু মানে ইতনা রো পরে তো ক্যা হুয়া দেখো বাসুদেবের বড়াহ দর্শন বড়াহ রূপ দর্শন তো মিলা ইস প্রকার করনা চাইয়ে জিস প্রকার বচ্চে মাম্মি কো বুলানে কে লিয়ে বচ্চে তো চল নহীঁ সকতে লেকিন মাম্মি কো বুলানে কে লিয়ে ক্যা করতে বলিয়ে ক্যা করতে রোতে লাগে ইস প্রকার রোনা চাইয়ে দিল সে রোনে চাইয়ে জব রোয়া রোনে কিসকো আতে জিনকা সম্বন্ধ হুয়া উনকা বিরহ হোতা আর বিরহ সে আঁখো মে আঁসু হোতা সম্বন্ধ কেসে হোতা সেবা সে হোতা ইসলিয়ে সবকো দিল লগা কে সেবা করনা চাইয়ে সবকো সেবা করনা চাইয়ে তব ভগবান কে সাথ সম্বন্ধ হোগে জিতনা গুরুবর্গ হ্যা সবকে সম্বন্ধ হোগে সম্বন্ধ হোনে সে বিরহ হোগা এ বিরহ আমারা ভজন হ্যা বিপ্রলম্ব মতলব বিরহ বিরহ নেই সম্বন্ধ হুয়া নেই সম্বন্ধ হুয়া নেই তো সেবা ভি নেই হো কর্ম হো রা কর্ম হো রা ইসলিয়ে দেখো বারা মানে বাসুদেব বিপ্র ক্যা কিয়া হামারা চৈতন্য মহাপ্রভু ভি ক্যা কিয়া দেখো ऐसा रोते रोते भगवान गंभीर में क्या बोला कहा कृष्ण प्राणनाद मुरली बदन कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन इस प्रकार भाव लेकर के जब हमारा दिल से रोने आएगा तब तो हमारा महसूस होगा जो हाँ সম্বন্ধ বঞ্চুকা দর্শন তো হোগাই হোগা কতদিন শিবরাহ অনুকম্পা করি দেখা দিলা বাসুদেবে কোল রূপ ধরি ইস প্রকার লটপট হোকা হতে হতে রোতে রোতে জব বরাহদেব কে পাস মিনতি কিয়া তব বরাহদেব কোল রূপ লেকার কে দর্শন দিয়া নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর পদগ্রীবা নাসা মুখ চক্ষু মনোহর ইতনা আচ্ছা ভালা দর্শন হাম লোক তো বরাহদেব কো বাহার সে দেখনে সে ক্যা হতা ঘৃণা হতা লেকিন এ বরাহ অলঙ্কার আভূষণ পেন পেনতে হুয়ে আবির্ভূত হুয়া ইতনা আচ্ছা ভালা দর্শন ভগবান কা দর্শন সবক আকর্ষণ করতা সবক আঁখো সবক দিল খিঁচ লেতা পর্বত সমান উচ্চ শরীর তাহার দেখি বিপ্র নিজে ধন্য মানে বারবার বাসুদেব বিপ্র সজরাজ আমারা জিন্দেগি ধন্য হ গিয়া আচ্ছা হো গিয়া আর ভগবত দর্শন জব হোগা তব আমারা জিন্দগি আচ্ছা হোগা
भगवान का नाम में जब हमारा मोती होगा, दिल जाए, दिल लगेगा, तब सोचो कि हमारा जिंदगी अच्छा हुआ। दिखा बाबा पिक नाम नहीं, भक्ति दिखाने के लिए नहीं, भक्ति को छुपाने के लिए। हमारा गुरुजी बोलते थे, ये दान हाथ में राइट हैंड में कोई सेवा किया तो लेफ्ट हैंड का पता नहीं चलना चाहिए। जब बताने के लिए इच्छा होगा, सोचो कि ये घमंड आ गया अंदर में, अहंकार जब आएगा वो पतन तो पहली हो गया, पतन प्रकाश बाद में होगा। हे गुरुजी हमको बताया था, इसलिए सावधान होना चाहिए सबको। जो भी हो सुनिए, इसके बाद क्या हुआ, घूमे पोड़ी विप्र प्रणोमिया प्रणोमिया प्रभु पाए, कादिया कुल होइलो गड़ा गड़ी जाए, विप्र भकती देखी बरा हो तो कौन, कहिले न वासुदेव मधुर वचन, ओहे वासुदेव तुमि भकत आमार, बड़ तुष्ट होइनु पूजा पाइया तुमार। भगवान को पूजा करना चाहिए, हर एक कार्यक्रम से भगवान को जब सुख देगा वही चीज पूजा कहलाता। हमारा हर एक कार्यक्रम से मंदिर में पूजा करेंगे और बाहर में आकर के गाली देगा सबको, ये हो नहीं सकता, पूजा हो नहीं सकता। हर एक कार्यक्रम से भगवान का सुख होना चाहिए, तब होगा भगवान का पूजा। इसीलिए हमारा गुरुजी बोलते थे, बाबा सब कुछ सोच के करने पड़ेगा। किसी को गाली मत दो, निंदा मत करो, सबको सम्मान दो, यही वैष्णव का धर्म। दीनता करो, सहनशील हो, दिल से नाम प्राप्त करना छोड़ दो, ये हर एक चीज बताता था। गुरुजी का स्वभाव भी ऐसा ही थे। हमारा गुरुजी वैष्णव समाज में ऐसा ऐसा रूप से परिचित थे, जे गुरुजी महाप्रभु शिक्षा श्लोक का तृतीय श्लोक थर्ड श्लोक का साक्षात प्रतिमूर्ति। स्वभाव में ऐसा ही थे, कोई लोग बता दिया तो सिर झुका कर सम्मान लेता। जाओ बहुत लंबा है तो महाराज जी इंतजार कर रहे हमारे लिए, तो हमको जल्दी जल्दी भागना चाहिए। हमारा इच्छा था 7:30 बजे तक रुकना के लिए, अभी तो हो नहीं सकता, तो जल्दी जल्दी भागता बता। नहीं नहीं महाराज जी ठीक है, बढ़िया दवाई भाई लग जाए, अभी महाराज जी इंतजार कर रहे ना। এই নবদ্বীপে মোর প্রকট বিহার, কলি আগমনে হবে শুনো বাক্যসার। এই নবদ্বীপ মে সত্যযুগ মে এই ঘটনা হুয়া থা, আর বোলা কি বাসুদেব ক্যা মানে বাসুদেব কো কোলদ্বীপ ক্যা মানে বাসুদেব কো বরাহদেব ক্যা বোলা, এই নবদ্বীপে মোর প্রকট বিহার, কলি আগমনে হবে শুনো বাক্যসার। এই নবদ্বীপ মে কলিযুগ মে হাম हमारा प्रकट होगा। तो क्या नवद्वीप सह धाम नाही त्रिभुवने, अति प्रिय धाम मोर आचे संगोपने। नवद्वीप गुप्त वृंदावन होते, और नवद्वीप का महिमा वृंदावन से भी ज्यादा है। हमारा गुरुजी बोलते थे, यहीं पे भगवान औदार जो प्रधान माधुर जो उदार, जात पात महिला पुरुष
कोई विचार नहीं किया, सबको प्रेम दिया, सबको प्रेम दिया। और प्रेम प्राप्त नहीं होने से परमार्थ का लाभ कुछ भी नहीं होगा। प्रेम प्राप्त करना चाहिए, प्रेम से गोलोक वृंदावन जा सकता, लेकिन प्रेम प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्तों का कृपा चाहिए। और शुद्ध भक्तों का कृपा होने से ही भगवान का कृपा होगी। हमारा गुरुजी एक प्रबंध लिखा, भगवत कृपा भक्त कृपानुगामी। भगवान का कृपा भक्तों कृपा द्वारा ही होगा। इसीलिए देखो मिश्रा चकुतिपाद जो लिखा, साक्षाद हरि तेन समस्त शास्त्र रक्तस्तथा भव्यते वसद्भि। जो लिखा साक्षाद हरि तेन, तो बात तो सही है, लेकिन बाहर से देखोगे तो सब तो अलग अलग है। कौन रूप से एक है? भगवान और भक्त गुरु एक। कौन रूप से बोला कि जे भगवान का कृपा भक्तों के द्वारा ही, शुद्ध भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा हमारे पास आएंगे। इसीलिए और अलग जितना विचार है देखो सबसे अलग अलग। बहुत लंबा कहानी है, वो बता नहीं सकता अभी। तो देखो नवद्वीप समधाम नाही त्रिभुवने, अति प्रिय धाम मोर आचे संगोपने, ब्रह्मवर्त सह आचे पूर्ण तीर्थ जत, से सब आछ एहेता शास्त्रेर सम्मत। जितना सब महिमा है, पुण्य तीर्थ है इस दुनिया में, सब तीर्थ का एक साथ में जोड़ा हुआ ही फिर नवद्वीप में। हिरण्यकश्यप स्थान जे स्थान ब्रह्मार यज्ञ प्रकाश हैया, नशिलाम हिरण्यकश्यप दंते विदरिया। हिरण्यकश्यप को जो हमारा दांत देकर के जब वध किया था, सही स्थान ही पे, सही स्थान पुण्य भूमि यही स्थान राय, जथाय हमारे बे हईल उदय। यही स्थान रन्ना का वध करना, वध करने का स्थान यही, और यहीं पे हमारा उदय हम आ गया। नवद्वीप वासे समस्त तीर्थवास, नवद्वीप वास, नवद्वीप में रहने से सारी तीर्थ का रहने का फल अपने आप मिल जाता है। नवद्वीप से भी सर्व तीर्थ विराजाय, नवद्वीप मासे सर्व तीर्थ मासे हाय। समस्त तीर्थ, सारी तीर्थ जितना है दुनिया में, सब तीर्थ का बाद रहने का जो फल यहीं पे रहने से मिल जाता। तो क्या करोगे तुम? बस धन्य तुम्हें नवद्वीपे सेविले आमाय, गौरांग प्रकट काले जन विवेहताय। कलियुग में जब भगवान गौरांग महापुरुष रूप लेकर के जन्म लेगा, जन्म लीला करेंगे, उसी टाइम तुम भी यहीं पे आओगे, तुम्हारा भी जन्म होगा। अनासे देखिबे से महासंकीर्तन, अपूर्व गौरांग रूपे पावे दर्शन। एत बोले शिवारह हईल अंतर्धान, दैववाणी हईल विप्रे बुझीते सन्धान, परम पंडित वासुदेव महाशय, सर्वशास्त्र विचारिया जानिल निश्चय। इस प्रकार आकाशवाणी
सुनने से बाद उन्हें मैंने इस प्रकार बता के कोलदेव अंतर्धान हो गया और वासुदेव विप्रो सोच रहा क्या जे मेरे सर्वशास्त्र विचार या जानी लनिश्चार सारी शास्त्रों विचार करते हुए ये दिल में ऐसा महसूस हुआ वही बसत मन मंत्रे कलिर सन्ध्याय श्री गौरांग प्रभु लीला हबे नदियाय वासुदेव विप्र को पता चला और क्या हुआ ऋषिगण से ही तत्व राखिल गोपने इंगिते कहिल सब बुझे विज्ञ जने मुख में बताया नहीं। देखो भगवान का दर्शन जब होगा किसी का दर्शन हुआ तो सम्मान लेने के लिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जब दुनिया के पास आकर के बताएंगे तो फल नष्ट हो जाते। इसलिए हम बोला कीजिए भगवान का जो उपलब्धि भगवान का जो भजन सब छुपाने के लिए दिखाने के लिए नहीं। हमारा गुरुजी भी ऐसा ही शिक्षा ऐसा ही दिया इसलिए सबको सावधान होना चाहिए। दिखाओ मत, दिल में जो महसूस हुआ वो आनंद लो, बताने से सब कुछ चला जाएगा। बहुत घटना है हमारा गुरुजी के साथ, वो हम बता नहीं सकता अभी समय पर तो मैंने ज्यादा नहीं। ऋषिगण सही तत्व रखिल गोपने इंगिते कहिल सब बुझे विज्ञ जने प्रकट हईले लीला हईबे प्रकाश एवे गोप्य ही तत्व पाइल आभास परमानंद विप्र करे संकीर्तन गौर नाम गाय मने मने सर्वक्षण। उसके बाद क्या हुआ वासुदेव विप्र मनिमन गौरांग गौरांग नाम लेकर के नित्य करने लगे। हम लोग कई स्थान में ऐसा ही देखा, वहीं पे जो सुवर्ण विहार में राजा सुवर्णसेन भी ऐसा ही किया। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो तब हमारा जिंदगी अच्छा होगा। पर्वत प्रमाण कुलदीपेर शरीर देखी वासुदेव मने विचारिल धीर कुलदीप पर्वताक्ष स्थान है सही होइते पर्वताक्ष होइल परिचय। मैंने कुलदीप का बराहदत्त का इतना बड़ा शरीर तो लगता है कि जब पर्वत बहुत बड़ा पर्वत वे जीव नित्य लीलामय वृंदावने गिरि गोवर्धन ऐ जाने भक्त जने अभिन्न गिरि गोवर्धन ऐ पे। और श्री बहुलावन देखो यार उत्तरे रूपेर छटा सर्वदिक शोभा करे ए जाप ए बात यहीं पे है ये श्री भक्तनाथ ठाकुर महिमा लिखा। तो हमारा तो और वक्ता थे लेकिन अभी तो हमको जाने पड़ेगा, महाराज जी भी गुस्सा होगा हमारे ऊपर क्योंकि हम तो क्या